दिन में 2 सेकंड हो गए हैं। गौतम गिरी चट्टान की तरह जमा हुआ है और हिप्पो हिमालय की तरह बिल्कुल डटा हुआ है। ये डर है, मुकाबला थोड़ी देर और चला तो समोसे ठंडे हो जाएंगे और ठंडे समोसे खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। गौतम हिप्पो, गौतम हिप्पो, गौतम हिप्पो, गौतम हिप्पो, गौतम समान हिप्पो समान हिप्पो समान गौतम गौतम हिमालय ओमकार भाई, समोसे का मामला तो पड़ गया, अब बचा कोल्ड ड्रिंक और शाम की पिक्चर का। है कोई और? ओ भाई मिलो, सुंदर सहगल आर्ट्स में है। जानता हूँ, आर्ट्स में पढ़ता है, मशहूर क्रिकेटर रवि सहगल का बेटा। क्रिकेट अच्छी खेल लेता है, पंजाबी लड़ा सकता है क्या? छोड़ यार, ये क्या पंजा लड़ाएगा, कलाई मुड़ जाएगी तो क्रिकेट से भी हाथ धो बैठेगा। मर्द कहा था मैडम, एक बार पकड़ लिया तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, आज ये मेरा मेहमान है, फिर किसी दिन। फिर किसी दिन? फिर किसी दिन बूस्ट पी कराओगे क्या? अरे यार सुंदर, ये गौतम बहुत अकड़ रहा है, तू इसकी नानी याद दिला दे। अबे ओ मोटू, अबे ओ, गौतम को हराने वाला इस कॉलेज में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। अबे कॉलेज में नहीं, नानावती हॉस्पिटल पैदा होता। बोलना सुंदर। अबे जा जा, अभी सुंदर इसका बैंड बजाता है, समझे? तो देर किस बात की है, हो जाए मुकाबला। अगर ऐसी बात है तो फिर लग जाए कोई शर्त। करेक्ट, बिना शर्त के कोई मुकाबला नहीं होता, जो हारेगा वो सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा भाई। और शाम को 6 से 9 सबको पिक्चर दिखाएगा, मंजूर? डन डन। लेकिन ये तो हारने वाले की सजा, जीतने वाले को क्या मिलेगा? जो मांगेंगे वही मिलेगा। ओके। मेरा नाम? हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? फिर कभी, लेकिन मेरी जीत का इनाम तुम पर उधार है। बाय बाय। हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद।
अशकों के गिर जाएंगे तो जब मुझे याद करोगी ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी। अरे गौतम, मेरी सबसे बड़ी बेट तुम हो, लेकिन तुम एक छोटे से रंगरूट से पंजा नहीं लड़ा सके तो मैं तुम पर करोड़ों कैसे कमाऊंगा? वो तो सर नो एक्सक्यूजेस। अरे जीतना सीखो, जीतना है। शहर का सबसे बड़ा बुकी मैं हूँ और मैं वही बेट लेता हूँ जिसमें मेरा फायदा ही फायदा हो। तुम्हें चुनने का मतलब समझते हो? जी। क्या? फायदा ही फायदा। करेक्ट। कितना रुपया चाहिए चंपक भाई? जी सब 50,000 दे दो इसे। जी बहुत अच्छा। और सुनो, तुम्हें जब भी किसी भी किस्म की जरूरत पड़े तो मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे कंधों पर है, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया के टूर में तुम्हारा नाम इंडियन टीम में होना चाहिए। तुम्हारा नाम टीम में होने का मतलब है इंडियन टीम की हार और जीत हमारी मुट्ठी में है। मगर सर, मैं अकेले क्या कर सकता? बोलर हो, एक ओवर में जीत नहीं सकते, कम से कम टीम को हरा तो सकते हो। और जब हम इंडियन टीम की हार की बैटिंग लेंगे तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। क्या होगा? फायदा ही फायदा। साहिबान, आज हम कॉलेज के इस एनुअल डे फंक्शन की शुरुआत कॉलेज के सबसे होनहार मिलनसार गीतकार गुलुकार और आप सबके चहेते फनकार सुंदर सहगल की जादुई आवाज से शुरू करेंगे। इस नौजवान का एक कलाम बहुत जल्दी किताब के रूप में आप सबके सामने आने वाला है। तो लीजिए, आप सबके सामने आ रहे हैं सुंदर सैगल। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे
जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। बॉलिंग करने अब आया गौतम, मजा आएगा। हमारा शेर आया, गौतम आ गया। देख अब ये बैट्समैन जरूर आउट होगा। लग गए शॉट? लग गई पासा पासा की शॉट। ₹500 ना। थैंक यू गौतम जैसा बॉलर और बैट्समैन सारे इंडियन टीम में नहीं है। अब देखना अभी सुंदर खेलने आ रहा है। बैट लगाती है
अभी सुंदर चौका लगाएगा। सुंदर और चौका और वो भी गौतम के बॉल पर लग गई बैट 500 की। पक्का ना? पक्का। चल। सुंदर का फुटवर्क देखना, अपनी टीम का नाम जरूर रोशन करेगा। गौतम भी कम नहीं, वो भी अच्छा खेलता है। हाँ देख लेना, इस बार इन दोनों में से एक न एक इंडियन टीम में जरूर चुन लिया जाएगा। नो ये ले तेरे 500 रुपए। पकड़ सुंदर, पकड़ तेवर कुछ बदले नजर आ रहे हैं। कल बड़ी जोर जोर से तालियां बजा रही थी सुंदर के हिट्स पर। गौतम कुछ भी बोलो, सुंदर प्लेयर तो बहुत अच्छा है। क्यों? मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, तुम्हारा भी, अगर तुमने फिर उसके लिए तालियां बजाई तो। तुम तो सीरियस हो गए। सीरियस? कल रात भर सो नहीं पाया मैं। सुंदर ने मेरी कमाई हुई इज्जत सब मिट्टी में मिला दी। उस दिन पंजे में मैं उससे हार गया और म्यूजिक में भी उसने मैदान मार लिया। और कल गौतम इसमें इतनी दिल पे लगाने वाली क्या बात है? तुम समझती नहीं हो, मैं अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ आई सी। तुम मेरी दोस्त हो ना? बेशक। तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। किस बात में? देखो तुम यूनिवर्सिटी की सबसे हसीन लड़की हो। कॉम्प्लीमेंट्स के लिए शुक्रिया। सुंदर को अपने हुस्न के जाल में ऐसे फंसाना कि वो वही करे जो तुम चाहो। तुम्हें अपने आप पर बहुत भरोसा है ना? अपने आप पर नहीं, अपने हुस्न पर, अपनी अदाओं पर। अनाजी सैन, एक बार जो देखेगा देखते रह जाएगा। आपको मुझसे कुछ चाहिए? मुझे रबर चाहिए। रबर? खींचने वाला? टायर वाला? घिसने वाला? घिसने वाला? घिसने वाला? पेंसिल वाला? मैं अभी लेकर आता हूं। Excuse me. क्या है? मैडम मुझे रबर मिल सकता है? मैडम ये नहीं वो। ठहरो। मैडम वो पेंसिल मिटाने वाला रबर। देखो ये लाइब्रेरी है, कोई स्टेशनरी शॉप नहीं। सॉरी मैडम। कमाल है, मैंने तुम्हें सारे कॉलेज में ढूंढ मारा और तुम यहां बैठी हो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी सुंदर। पेंसिल रबर इंक रबर और ये रहा आपका टाइप रबर। थैंक यू वेरी मच।
और कुछ चाहिए? हाँ अभी नहीं, जब चाहिए होगा तो बोल दूंगी। ये रही आपकी नोटबुक, आप लाइब्रेरी में भूल आए थे। आप कविता अच्छी लिख लेते हैं? मेरी कविताओं की किताब छप रही है। रियली? मैंने भी एक कविता लिखी है आपके लिए। मेरे लिए? तुम्हारी किताब में है, फुर्सत मिलेगी तो पढ़ लेना। बाय सुंदर। बाय। मैं शाम 4 बजे तुम्हारा मेरी ड्राइव पे इंतजार करूंगी। 4 बजे। सुंदर तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत, आकाश जितना, जिसकी कोई हद नहीं होती। सच? ये क्या किया? जानते हो कितना मेगा गॉगल्स था? जानती हूँ, मगर मैं इतना भी जानना चाहती थी कि शादी के बाद अगर मेरे हाथों से तुम्हारी कोई कीमती चीज गुम हो जाए तो क्या तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगे? नहीं नहीं, प्यार अपनी जगह, लेकिन मेरा गॉगल्स। डैम इट, ये क्या किया तुमने? जानते हो ये हैंड मेरे डैडी ने हांगकांग से खरीदी थी। इजी, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि अगर शादी के बाद तुम्हारी कोई कीमती चीज मुझसे खो जाए तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? नहीं, लेकिन मेरी वो हाथ। How dare you? जानते हो आज तक मुझे किसी ने स्टॉप नहीं किया, मेरे डैडी ने भी नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा था कि कल को मैं गुस्से में तुम्हें मार बैठूं तो क्या तुम मेरी जिंदगी से दूर चली जाओगी? नहीं, मैं तो तुम्हें गले से लगाऊंगी ऐसे। Thank you.
दिया है मैंने। क्या क्या है तुमने? बारिश में उसे इतने गोते खिलाए हैं कि 3 दिन तक बिस्तर में छींकता रह जाएगा। वेरी गुड। ये छींक कहती है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, गंदी जुबान वाले तेरे मुंह पे ताला। किसके मुंह पे ताला? काले मुंह वाले के, गंदी जुबान वाले के। हाँ बेटा, काली जुबान वाले के। किससे बोल रहे हो तुम? तेरी जुबान गंदी है क्या? अभी बताता हूँ तुम्हें। गौतम सुंदर, तुम ठीक कैसे हो गए? मुझ पर सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता, सिर्फ प्यार का होता है। जब मार पड़ेगी बच्चू, प्यार का सारा असर गायब हो जाएगा। अच्छा, गायब हो जाएगा? क्यों भाई, ये तो मरने मारने की बातें कर रहा है यार। दीवाना है, जानता नहीं है। अब मौत भी हमको मारेगी क्या? मार नजरों की हम खाए हुए हैं। अब मौत भी हमको मारेगी क्या? मार हम नजरों की खाए हुए हैं। मार गया उस्ताद। 4 बजे मेरे प्रैक्टिकल्स हैं। जाना कहाँ है, कुछ तो बोलो सुंदर। अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो सामने ही मेरा घर है। घर? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे घर ले जा रहे हो? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और अगर मैं ना कह दूं तो? तुम मुझे ना नहीं कर सकती। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या तुम मुझे मना कर सकती हो? शीतल, इस दुनिया में सिर्फ मेरी माँ है। मैंने आज तक उनसे कभी कुछ नहीं छुपाया, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है तुम्हारे और मेरे बारे में। क्या बता दिया है? वो तो तुम्हें माँ ही बताएगी। चले चलो। ये है मेरा करीब खाना, तुम बैठो, मैं अभी आया। माँ, माँ। क्या है बेटे? तुम शीतल हो ना? जी, नमस्ते। जीते रहो बेटी, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये मेरा पागल बेटा बहुत तारीफ करता रहता है तेरी। ये देख कितने गीत लिखे हैं तुम्हारे नाम, ये देख ले। अभी नहीं माँ, ये मैं शीतल को उस दिन भेज करूंगा जब ये किताब छपकर आ जाएगी। अच्छा, तू बाजार से मिठाई लेके आ। जाना जरूरी है क्या? बदमाश कहेगा। जा, तब तक मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। जी मैं चाय नहीं पीती। क्यों नहीं पिएगी? आज पहली बार मेरे घर पर आई है तू, मैं तेरा मुंह मीठा करके ही भेजूंगी तुझे। मुझे तुझसे बहुत बातें करनी है। जी मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, प्रैक्टिकल का समय हो रहा है। तू बैठ, तेरे आने से पहले मैं इस समय के बारे में ही सोच रही थी। ये समय ही है बेटी जो आज तुझे यहाँ ले आया है। आज तुझे देखकर मेरी चिंता दूर हो गई। आपकी चिंता? हाँ, मैंने सुंदर को अभी तक बताया नहीं, मुझे दिल की बीमारी है, इसलिए सुंदर की मुझे बहुत चिंता लगी रहती है। लेकिन आज तुझे मिलकर मेरे मन को यह लग रहा है कि तू उसे अच्छी तरह संभाल सकेगी। मैं? हाँ, एक मिनट। ये आप क्या कर रही हैं? मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसे ना मत कर बेटी, अपशकुन माना जाता है। माँ जी, आप समझती नहीं, मैं सुंदर को। तू देख मत, पहन ले, पहन ले। माँ जी मैं चलती हूँ, प्रैक्टिकल्स के लिए देर हो रही है। नमस्ते। अरे माँ, शीतल कहाँ है? वो तो चली गई बेटे, मुझे लड़के बहुत पसंद है। माँ। अकेले प्रोफेसर के कहने से क्या होता है, इंडियन टीम की सिलेक्शन पूरी कमेटी करती है, और मैं जानती हूँ कि तुम सुंदर से अच्छे बैट्समैन नहीं हो। क्या? लेकिन अच्छे बॉलर तो हो, और हमारी इंडियन टीम को बैट्समैन से ज्यादा बॉलर की जरूरत है। इसीलिए मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ गौतम कि इंडियन टीम में तुम ही सिलेक्ट होंगे। फिर भी मैं चांस नहीं लेना चाहता। सुनो शीतल। सुना माय डियर गौतम। ये मजाक नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है और सुंदर के करियर का। तुम मजाक में भी सुंदर का नाम मत लो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? सुंदर स्टेडियम में नहीं पहुंचना चाहिए, और एक काम तुम्हें करना होगा। तुम्हारे लिए तो कुछ भी करेंगे दोस्त, सुंदर कल स्टेडियम नहीं पहुंचेगा।